हमारा सवाल ये है कि ये जो बिल्डिंग का इशू है, ये क्या इशू है? तुमको अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन मिली? हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे मंदिर था और इसे डिमोलिश किया गया और यहाँ पे प्लाजा बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? कोई मंदिर से ताल्लुक रखते नहीं है, कभी आए नहीं है यहाँ पर, इनको कुछ नहीं पता है। इनकी आप एज देखें और ये बात क्या कर रहे हैं, इंतजार फैला रहे हैं। जिन्होंने मंदिर पे कब्जा किया है, जो मेरे घर पे कब्जा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। आप क्या इंतजार कुछ किया, इंतजार फैलाया आपने, बताएं। हमने तो कोई, हम लगते हैं आपको ऐसा क्या? भी कोई कब्जा करे इसके ऊपर तो ये गलत है ना, ये तो करोड़ों रुपए का प्लाट है सेंटर में। ऐसे यार प्लाट को छोड़े, इबादत की जगह है, इबादत की जगह। इन्होंने यहाँ से हटा के ना बनाने के लिए वहाँ बाथरूम था, बाथरूम की जगह पे जाकर इन्होंने अपने भगवान को जाकर बिठाया। हमारी तो हमारा मुताबिक भी यही है कि मंदिर है, मंदिर होना चाहिए। उनको इबादत का तोड़ कर बेचने का हक नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर के जैक्सन बाजार में स्थित श्री मणि माता के मंदिर को तोड़कर वहां पर एक बहुमंजिला इमारत बनाने की साजिश चल रही थी। मंदिर को तोड़कर बाथरूम पर ले जाकर रख दिया गया था, लेकिन दोस्तों हुआ ऐसा कि वहां के स्थानीय मुसलमानों ने ही उसका जमकर विरोध किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। दोस्तों, मैं तो ताज्जुब हो गया कि पाकिस्तान में पहली बार मैं किसी मुसलमान को हिंदुओं के पक्ष में बोलते हुए मैं सुन रहा हूँ। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। चलिए कराची चलते हैं और उस मंदिर के बारे में जानते हैं और उन मुसलमानों के बारे में जानते हैं जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर के लिए खड़ा हुआ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम लाहौर से स्पेशल आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे इस बिल्डिंग की खबर चल रही है, इस मंदिर की खबर चल रही है। आप कब, पहले तो बताएं, कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो जमाना हो गया, पैदा ही हुए, पैदा ही यहाँ पे हुए। ये मंदिर था, मंदिर है या बिल्डिंग थी, कोई घर था? ये मंदिर था, एक डेला सा बना हुआ था, मंदिर यहाँ था। ठीक है, यहाँ से उठा के इन्होंने उधर करा। अच्छा, पहले भी कोशिश करी इन्होंने तोड़ने की, फोड़ने की भी, औकाफ वालों ने कुछ उसको रोका, लेकिन ये है कि इनकी अपने, इनकी एक औरत थी, इंतकाल हो गई, वो पिछले बार भी हमारे साथ नेमतुल्ला खान के दौर में काउंटर थी। ठीक है, तो वो भी, इन्होंने भी बहुत कोशिश करी लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि औकाफ की जगह है। हाँ हाँ। तो ये औकाफ का ही हक है, अभी कोई कब्जा करे इसके ऊपर तो ये गलत है ना, ये तो करोड़ों रुपए का प्लाट है सेंटर में। ऐसे यार प्लाट को छोड़े, इबादत की जगह है, इबादत की जगह। इन्होंने यहाँ से हटा के ना बनाने के लिए वहाँ बाथरूम था, बाथरूम की जगह पे जाकर इन्होंने अपने भगवान को जाकर बिठाया। वो भी इन्होंने ढोंग नतूरे और एक लोगों को शौर देने के लिए कि ये इतनी सी जगह है, ये सिर्फ मंदिर की है, बाकी का प्लाट हमारा है, तो हम इसके ऊपर इमारत कर लें या मार्केट बना लें, जो भी इनकी मंसूबे होंगे, लेकिन गलत है। देखें, एक बात करूं, आप एजुकेटेड लग रहे हैं, आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, काउंसलर हैं। जी जी। जब किसी दूसरे कंट्री में, किसी नेबर कंट्री में मस्जिद को लेके कोई छोटी सी खबर आती है, हम कैसे प्रोटेस्ट करते हैं? पूरा बिल्कुल, यहाँ पे ये हमारे भाई हैं, मतलब हमारी जिम्मेदारी है इनको तहफ्फुज़ देना। ठीक है, जब इनके साथ ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे लोग बोल ही नहीं रहे। मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। आप वाहिद हैं जिन्होंने हिम्मत की है भाई, बात करना के, सच बात करना, हम तो डंगे की चोट पे करेंगे, सच बात करने में क्या है। भले इनकी धर्म की जगह है, धर्म इनका अपना अलग है, हमारा अलग है, कोई मसला नहीं है, हिफाजत करेंगे, लेकिन हिफाजत तो करेंगे, लाजमी बात है यार, इंसानियत है, इंसानियत के नाते तो हर आदमी करेगा। सर, आपको सलूट करते हैं, सर आपको ऐसा, जी जी जी, अभी सर आ भाई, देखो बेटा बात यह है, ये यहाँ शुरू से मंदिर है। जी जी जी, मैंने अपनी आंखों से मंदिर देखा है। ठीक है, मंदिर में जो पुजारी था, वो एक का नाम लड़का बाबू था, वो KAC में था, उनका एक था रतू, इसी तरह हिंदू, इनका आधा खानदान मुसलमान है, हैदराबाद में रहता है। ठीक है, ठीक है, उनका अपने अख्तियार है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे हिंदू मुस्लिम होता। दो क्या बात, आनंद राम, रिटायर्ड जज आनंद राम बंदो रोड पर बैठते हैं, इनका जो ट्रस्ट का है बहुत बड़ा दफ्तर, वो मेरे दोस्त हैं। हम अकलियतों को तहफ्फुज़ देते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामी मुल्क है, मगर इसके अंदर अकलियतों को जो हमने फायदा दिया, अक्सरियत को फायदा हासिल नहीं है। माइनॉरिटीज हैं, परेशान रहते हैं, अकलियत को हम अपने भाई समझकर हम उनकी हिमायत करते हैं। लेकिन ये जो इशू चल रहा है, मगर एक बात याद रखो, उनको मुसलमान होने का हक हासिल है, लेकिन अपनी मर्जी से, लेकिन उनको इबादत का तोड़कर बेचने का हक नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सर आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, मैं समझता हूँ आप यहाँ के बड़े हैं, तो ये मसले को हल कैसे, तो किससे करें हल, कोर्ट पे, हाई कोर्ट का, अभी तुम जाओ वो दीवार के ऊपर हाई कोर्ट के, मेरे ख्याल 2 लेटर लगे हुए हैं। ठीक है, वो पढ़ के आओ फिर मुझे बताओ। हाई कोर्ट ने तो स्टे दिया है, वो जो औरत है, जो बीबी है, लेडी है, उसके हक में स्टे दिया है, स्टे दिया है, ये बिल्डिंग बना लो। अच्छा, दिया है ना, अभी माइनॉरिटी क्या कह रही है, वो हाई कोर्ट में दोबारा उसको
वो नहीं कर सकता आदमी, चलेगा ठीक है, चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई औकाफ नहीं है, औकाफ अलग मुसलमानों का, हिंदू ट्रस्ट है, हिंदू ट्रस्ट है ये अलग है और वो औकाफ अलग है। वो वैक्यू प्रॉपर्टी की जो बिल्डिंग है, जो मुसलमान किराए पे बैठे हुए, वो जगह गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट उन लोगों से किराया लेती है, ठीक हो गया। वो वैक्यू प्रॉपर्टी का अलग डिपार्टमेंट है, इसका चेयरमैन लाहौर में बैठता है। अच्छा, ये जो अभी इशू चल रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे, कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, इवन ये जो औरत हैं, जो लेडी हैं, ये कह रही हैं कि भाई दो मुसलमान हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है, वायरल की है। मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, यहाँ मंदिर था और मंदिर होना चाहिए। जबरदस्त जी, मैं भी इस चीज के हक में हूँ कि अगर हमारी इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, अपने जो मर्जी करे ऐसी है, लेकिन जो उनके इबादत की राइट है, ट्रस्ट जो चाहे करे, मंदिर बनाए, मंदिर के साथ दो कमरे की जगह बनाए, को पुजारी आए वहाँ पर रहे, चला जाए, जैसे और ट्रस्ट, मुस्लिम ट्रस्ट, कोई अपनी मर्जी से ना कोई, लेकिन शख्सियत परस्ती नहीं है, शख्स की मिल्कियत नहीं है, ट्रस्ट की मिल्कियत है, हिंदू ट्रस्ट की। जबरदस्त, जाओ आनंद राम के पास चले जाओ ना, तुम जाओ, तुम लोग लाहौर से कहाँ से आए हो? हम लाहौर से आए हैं। और क्या क्या कौन सा तुम्हारे क्या नाम है इसके? रियल टीवी। अच्छा अच्छा, अभी तो बहुत सारे आ गए हैं यार। बिल्कुल, वेब चैनल है ये, यूट्यूब का चैनल है, सोशल मीडिया का। बेटा जी, बात असल में ये है कि हमारे यहाँ करप्शन है, पैसे दो काम दो। ये जो मकानों के जो दलाल है ना, इनको खारिश होती है, बेच रहे हो कुछ बिल्डर ऐसे बेच रहे हो चार पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब ऐसे या इसका भी सुनने में आ रहा है 7 करोड़ में बिक रहा है, 7 करोड़ में इंशाल्लाह नहीं बिक सकता, मंदिर ही रहेगा। लेकिन यह है कि जैसे मुसलमान मस्जिद बना लेते हैं बगैर नक्शे के, गलत है, लेकिन जो नक्शा उसके मुताबिक बनाए, मंदिर भी ऐन उसके मुताबिक होना चाहिए। मंदिर यहाँ से गली में ले गई है, गली पे इल्लीगल मंदिर बना हुआ है, ठीक है, पीछे गली जहां पे वाकई में जो मेन जगह थी मंदिर की, उसे हटा। मंदिर का श्री मिरी माता का मंदिर, ठीक है, हाँ ये मंदिर का श्री मिरी माता, हाँ ठीक हो गया। और मैंने जो अभी मंदिर देखा वो तो एक गली, एक तंग सा एक वो जगह हटा कर अपनी मिल्कियत जाहिर करने के लिए, हालांकि न मेरी इनसे कोई नाराजगी है, ज्यादा अगर आपने पूछना है तो बराबर में बिल्डिंग में लोग रहते हैं, है। जो इनके पड़ोसी हैं वो हम ज्यादा जानते हैं, इनका आगना मूतना खाना पीना उनको ज्यादा पता है, लेकिन पाड़ा है, पूरा पूरा पाड़ा हिंदुओं का, पीछे ईसाई और हिंदू आए हैं, वो बड़ा बड़ा अंदर भी मंदिर है, ऐसे ही बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में हम हो के आए हैं, वो तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था, लेकिन यहाँ पे जो लेडी मौजूद, मंदिर है भी लेकिन ये लेडी तो रहती है, जमाने से रहती है। इमरान हाशमी नाम के करेक्टर भी है, इमरान नाम के, या इमरान वो इसके साथ इनकी कोई शादी वादी की या क्या है, ये अल्लाह जाने, इनका अपना मामला है, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू टर्स कहाँ है, वो आवे ना आगे यार, वो क्यों नहीं आ रहा है। एक बात मैं करूं सर, मैं माइंड ना करिएगा कि हम मुसलमान है ना, तो ये हिंदू मुस्लिम को साइड पे रख के एज ए पाकिस्तानी अगर हम खड़े हों, हम खड़े हों कि भाई ये मंदिर है, मंदिर रहेगा, मंदिर है हमारा, तो हमारा मुतालबा भी यही है कि मंदिर है, मंदिर होना चाहिए ना, इनकी इबादत का है, तो हिंदू आवे ना अपना ट्रस्ट वाले यार। ये बात हम कह तो रहे हैं, हम कह तो रहे हैं, मंदिर की जगह मस्जिद नहीं बन सकती, मस्जिद की जगह मंदिर नहीं बन सकता। हमारे आईन के मुताबिक अकलियतों के हुकूक अदा करने के हम अपने फ़राइज पूरे करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। देखें इनकी दिवाली होती है, मैं जाता हूँ, मुझे बुला के, क्रिश्चियनों का दिन होता है, वो ट्रिनिटी चर्च में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर हम ईमान रखते हैं, ठीक है, वो तो मानते हैं, हम भी तो मानते हैं, क्या बात है। देखें हम किसी के देवताओं को बुरा नहीं कहते, वाह जी वाह, हम रिस्पेक्ट देंगे तो वो रिस्पेक्ट देंगे। कुरान मजीद में एक जगह एक आयत है, जरा सुन लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वला तसुब्बुल लदीना यदउन मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। ये अल्लाह कहता है कुरान में क्या, कि तुम उनके झूठे माबूदों को बुरा न कहो, कहीं ऐसा ना हो पलट कर वो तुम्हारे हकीकी माबूद को बुरा कहें। जबरदस्त, ये बात अगर हमारे तमाम भाइयों को पता चल जाए तो ये शायद हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट ही अंकल जी सर खत्म हो जाए, और हम तो इनको टापू देने के लिए तैयार है, और हम देते हुए हमारी गवर्नमेंट भी देती है, ठीक है, हमारी जब इनके यहाँ कोई ऐसा मसला आगे पीछे होता है तो यहाँ भाग आजा नाका लगता, पुलिस लगती, मोबाइल खड़ी होती है इनके टापू के लिए, क्यों लगती है कि ये माइनॉरिटी है, अकलियत में है, तो इनका फर्ज बनता है हुकूमत के पाकिस्तान का। क्या था नाम उसका? मधु, मधु, वो एक हिंदू लड़की थी जी। वो मधु, हाँ हाँ, मर गई शायद, रेखा की बहन थी, रेखा ना, इसका नाम रेखा है ये, और मेरी वाइफ उस जमाने में नेमतुल्ला खान का जमाना था ना, अनपोज इलेक्टेड हुई थी ये UC नंबर 12 में काउंसलर लेबर सीट पर,
मुझे सियासत में पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं है। अभी भी जमात इस्लामी के लोगों ने मुझे कहा है कि आप चेयरमैन का इलेक्शन होना है, आप नॉमिनेशन आप हमारी तरफ दाखिल करें। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा यार इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ, तो मेरे खानदान को गालियाँ दिलवाना चाहते हो तो मैं आ जाता हूँ। ऐसे ही है ऐसे है? अच्छा ठीक है। मेरा आई एम रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है। आई एम 71 ईयर्स ओल्ड, आई एम रिजाइडिंग देयर, यहीं रहता हूँ। सर आप इस बाजार के बुजुर्ग हैं, बाप की तरह हैं। मुझे ये बताएं आप ये इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर चल रही है, हमारे लिए ये बड़ी शर्म वाली बात है। हकीकत आपने बता दी कि हम इसे हल करना हमें चाहिए कि हम जब दो नंबर ली जाएगी उस डिपार्टमेंट को पकड़ो। हाँ। कैसे उसने इशू करी, उनके खिलाफ बात करो। मैं अगर कोशिश करूं कच्ची आबादी का, तो गुरु मंदिर के पास एक वो है नाला है जी। गुरु मंदिर के साथ उस नाले से लगाकर धनी राम स्ट्रीट पीछे है, वहाँ तक का मैप मंगवा के दिखा सकता हूँ। उसमें मंदिर लिखा हुआ है, उसमें निजामाबाद भी शामिल है, दो नंबर पे सिद्दीकिया मस्जिद के गजराबाद भी शामिल है। ये उस जमाने की लीज के बाद कच्ची आबादी का नक्शा मंगवा सकता हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैं मंगवा के आपको भिजवा दूंगा, लेकिन मुझे कोई आता पता होगा तो भिजवाऊंगा ना। मैं देखें जी, मैं राइटिंग बोलती है 110% इनको सलूट करता हूँ। ऐसे बुजुर्ग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसे बुजुर्ग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, काफी बुजुर्ग हैं और काफी नॉलेज रखते हैं, और इन दोनों बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पे मंदिर था, मंदिर ही रहेगा, किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि इसको बदल दे। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने अक्सर पाकिस्तान के वीडियो में मैं हमेशा देखते रहता हूँ कि वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि पाकिस्तान में एक भी मंदिर नहीं रहना चाहिए, सारे मंदिरों को तोड़ दो, काफिर का एक भी घर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एकदम से पाकिस्तान का एक अलग चेहरा है, और ख़ास करके कराची। मैंने सुना है कि कराची कुछ पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से कराची काफ़ी ज़्यादा सेकुलर है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ में उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, और कराची में खास करके वहाँ पर माइनॉरिटी की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ सब कोई मिलजुल के रहते हैं। तो ये आज मैंने वीडियो के माध्यम से भी देख लिया कि ये सत्य है, और पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं जो सच और हक दोनों के लिए आवाज़ उठाते हैं। पहले रिपोर्टर के मैंने वीडियो देखो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा है, मैंने वीडियो देखी। इस वीडियो में रिपोर्टर ने बहुत सारे लोगों से सवाल किए थे, किसी ने हामी नहीं भरी, कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों उसी बाजार में ये दोनों बुजुर्ग, जिसमें से एक काउंसिलर है और एक कोई रिटायर्ड पर्सन है, जो बुजुर्ग बैठे हुए थे और खुलेआम बोल रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये बोल रहे हैं कि हमारे रहते हुए यहाँ पर मंदिर छोड़ के यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा इमारत या कोई प्लाज्मा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। दोस्तों पाकिस्तान में इस तरह के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब पाकिस्तान में इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ेगी तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी को जो तंग किया जाता है, वहाँ पर जो एक टाइम था जो कि हिंदू वहाँ पर 27% थे, आज 1% है, हिंदुओं की आबादी भी बढ़ेगी, हिंदुओं को सुरक्षा महसूस होगी और हिंदू अपना काम भी अच्छा से कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों बुजुर्गों को देखकर मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आपकी राय चाहता हूँ, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो इन दोनों बुजुर्गों के बारे में जो भी आपकी व्यक्तिगत राय होगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। हम तो हमेशा सोचते रहते हैं कि हिंदुओं का जीना पाकिस्तान में हराम रहता है, लेकिन आज मैंने पहली बार वीडियो देखा तो सच बताऊं तो दोस्तों मेरा दिल खुश हो गया है। अब आपकी बारी है दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। शोएब चौधरी के रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो बहुत बड़ी है, अगर पूरा वीडियो देखना हो तो जाइए लिंक पर, विजिट कीजिए चैनल को और पूरा वीडियो देखिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।